हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू सीक्रेट आस्था। आज के टॉपिक में बात करेंगे कि अफर्मेशंस आपके लिए काम क्यों नहीं कर रही है। अब 2023 आ गया है तो न्यू अफर्मेशन बनाना तो सबको ही पड़ेगा, क्योंकि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो बिगनर्स हो चाहे वो मेरी तरह ही हो, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो कभी ना कभी मैं भी कहीं ना कहीं स्टक हुई हूँ, मेरी मैनिफेस्टेशन भी ब्लॉक हुई हैं। तो वो सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे कि कैसे आप दोबारा से, अगर आपकी लाइफ में सारी चीज़ें स्टक हैं, तो आप उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से कैसे आगे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों आखिर अफर्मेशन आपके लिए काम नहीं करती है। अफर्मेशन के जो बेसिक टाइम होते हैं ना, जब अपन अफर्मेशन बोलते हैं, तो वो समय होता है सुबह उठ के साथ अफर्मेशन बोलना, इवनिंग में अफर्मेशन बोलना और रात को सोने से पहले अफर्मेशन बोलना। मैं दिन में सिर्फ 3 बार अफर्मेशन बोलती हूँ और एक ही अफर्मेशन होती है मेरी सुबह उठते ही साथ, कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। सिर्फ अफर्मेशन बोलने से ही बात नहीं बनती है, आप जो भी अफर्मेशन बोल रहे हो उन अफर्मेशन में फीलिंग डालना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे कि आप अगर सुबह सो के उठ के बोल रहे हो कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छे से बीतेगा, आज सारी गुड न्यूज़ मैं अट्रैक्ट करूँगा, आज ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मैं अट्रैक्ट करूँगा या अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करूँगी, इस तरीके की चीज़ें अगर आप बोल रहे हो, तो उस चीज़ में आपका फीलिंग देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना तो वही बात होगी कि सिर्फ बोलते जाओ और फीलिंग किसी भी चीज़ में आप लोग डाल नहीं रहे हैं, तो अफर्मेशन वहाँ पर स्टक होती हैं और अफर्मेशन आपके लिए काम करना फिर बंद कर देती हैं। इसीलिए अफर्मेशंस बहुत इजी रखा करो, या तो गूगल की हेल्प ले लिया करो, या फिर आप अफर्मेशन फॉर लव, फॉर लाइफ, फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सारी अफर्मेशन आपको गूगल में आराम से मिल जाएगी। और अभी फ़िलहाल मैं टेरेस पे हूँ और बहुत डायरेक्ट धूप पड़ रही है, खैर आज धूप इतनी तेज़ भी नहीं है, अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने सोचा कि ना नेचुरल लाइट में ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जाऊँ, क्योंकि नेचुरल लाइट में जो वीडियो होते हैं ना वो अलग ही होते हैं। वो रात रात में वीडियो बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं रहता है, वो ट्यूबलाइट के नीचे और वो ये वो एक्स्ट्रा लाइट, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं सारे वीडियोज़ ना दिन में ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मैंने कहा ना मैं अपने टॉपिक से बहुत जल्दी हिल जाती हूँ, तो बैक टू द टॉपिक, अफर्मेशन आपको कैसी रखनी है। सिंपल अफर्मेशन रखनी है, और जो लोग बोलते हैं अफर्मेशन कितनी बार बोलनी है, 3 बार बोलो बेहतर होगा, सुबह सो के उठ के साथ, जब आपको अगर इवनिंग में समय मिलता है तो आप इवनिंग में बोले, और रात को सोने से पहले तो डेफिनेटली अफर्मेशन ही बोले, क्योंकि अफर्मेशन डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में काम करती है। और प्लीज़ 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 मैं फिर से कह रही हूँ, अफर्मेशन खाली बोलने से बात नहीं बनती है, आपको उसमें फीलिंग डालनी पड़ती है और एक्शन लेना पड़ता है। जैसे कि अगर आप बोल रहे हो कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, तो आपको खुद के साथ सेल्फ लव में रहना है, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहना है, और जो भी चीज़ें जो आपके फेवर में नहीं हैं उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। देखिए, हर किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, किसी ने आपको कॉमेंट पास कर दिया इग्नोर, किसी ने कुछ बोल दिया इग्नोर, जब तक आप इग्नोर नहीं करोगे ना, आप दूसरों की ही बातों में, दूसरों के ही कंट्रोल में रहोगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल खुद अपने हाथ में लो। आपको क्या चैनल खुद में क्रिएट करना है, जैसे हैप्पीनेस क्रिएट करनी है, तो अच्छे मूड में रहो। और जब भी आप कंफ्यूज हैं कि मैं अफर्मेशन कितने दिन तक बोलनी है, तो याद देखो, बेसिकली अफर्मेशन डेली भी बोल सकते हैं, क्योंकि अफर्मेशन सिर्फ एक सिंपल लाइन ही है। इसको किसी दिन तक, या इसको ये समझो कि मुझे ये काम डेली करना है, मुझे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रूटीन फॉलो करने है, अगर आप इसे एज अ काम की तरह करोगे ना, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। इसे बिल्कुल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, जैसे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बाकी के सारे काम करते हैं, गाना सुनते हैं, बैठते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, इसी तरीके की ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक अपनी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा इसे बना लो। इसको किसी काम की तरह समझोगे तो फिर आपको ये किसी काम की तरह लगेगा। और काम कैसा होता है, कभी मन हुआ करने का, कभी मन हुआ नहीं करने का, लेकिन ये कुछ ऐसे बेसिक रूटीन होते हैं ना, जिसको आप अपनी लाइफ में शामिल करके चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ काफ़ी क्लियर आती होगी, बट मैं बहुत ही जल्द माइक ऑर्डर करने वाली हूँ। अगर किसी को बहुत अच्छा माइक पता है ना वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करो कि अगर आप लोगों को कोई माइक का आइडिया है कि कौन सा माइक बेस्ट हो सकता है यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ मुझे लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। बाकी तो एक और चीज़ है, बहुत ही जल्द मैं जनवरी में मनी वर्कशॉप रख रही हूँ, तो उसकी ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल मैं सेंड कर दूँगी, अभी तो फ़िलहाल नहीं है, बट बहुत जल्दी रखने वाली हूँ। मे बी शायद इसी हफ्ते के बाद मैं मनी वर्कशॉप रख लूँ, और ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसलिए अगर आप अभी से
लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं या फिर आप पहले भी फॉलो करते थे मगर अफर्मेशन के बारे में ज़्यादा नहीं पता था और अफर्मेशन आप लोग के लिए काम नहीं कर रही थी, तो इस तरीके से काम करवाओ अपनी अफर्मेशन को। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब ये चीज़ें अच्छे से जाएंगी कि आप अपने अफर्मेशन के लिए एक्शन भी ले रहे हैं और साथ ही साथ उसमें फीलिंग्स भी डाल रहे हैं, तो आपका दिन, हाँ सीरियसली बोल रही हूँ, अच्छा जाएगा ही जाएगा। ये कोई किताबी भाषा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है, डेली मैं अफर्मेशन बोलती हूँ, लिटरली मेरा दिन बहुत 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 अच्छा जाता है। और आप इन चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे डेली ग्रेटिट्यूड तो लिखना ही लिखना है। जो लोग को नहीं पसंद है या फीलिंग नहीं आती है तो प्लीज़ लिखना स्टार्ट करें। आप लोग नहीं जानते हैं कि ग्रेटिट्यूड वॉक से आप कितना बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए प्लीज़ ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट करें। जिनको वॉक करने में प्रॉब्लम होती है या फिर आसपास बहुत लोग रहते हैं, वॉक करना अच्छा नहीं लगता आप लोगों को, वैसे भी विंटर सीज़न है, वॉक करने के लिए 10-15 मिनट के लिए निकल जाया करो, नहीं तो टेरेस में खड़ा करो। अगर इतना भी नहीं हो रहा है ना, वॉकिंग नहीं हो रही है, तो सीरियसली एक नोटबुक लो और उसमें डेली जो भी आपके साथ अच्छा हो रहा है ना, उन चीज़ों को लिखना शुरू कर दो। आपको नहीं पता ये आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज लेके आने वाला है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू सून इन माई अनदर वीडियो गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट मी टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम आई डी है सीक्रेट आस्था। बाय।